वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर बिंदु कटारिया, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास में हम पेपर टू मींस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। यदि इसके सिलेबस को देखा जाए तो इस पेपर को 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। यूनिट 1 में स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यूनिट 2 में 2 चैप्टर्स दिए गए हैं, फर्स्ट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड सेकेंड फोटोकेमिस्ट्री। इसी प्रकार यूनिट 3 में भी 2 चैप्टर्स दिए गए हैं, ऑर्गेनिक सिंथेसिस और कार्बोहाइड्रेट्स। यूनिट 4 में फर्स्ट अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड तथा सेकेंड फैट्स, ऑयल्स एंड डिटर्जेंट दिया गया है। यूनिट 5 में सिंथेटिक पार्ट है, जिसमें प्रथम सिंथेटिक पॉलीमर्स के बारे में और द्वितीय सिंथेटिक डाइस के बारे में दिया गया है। तो ये मैंने आपके सामने सेकेंड पेपर की आउटलाइन रखी है। इसका पूरा सिलेबस मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगी। आज हम यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1 जिसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी कवर की गई है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। स्पेक्ट्रोस्कोपी का संबंध स्पेक्ट्रम से होता है, तो पहले आप ये जानेंगे कि स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। आप देख रहे हैं कि जब व्हाइट लाइट की किसी रे को एक प्रिज्म में से होकर कर्टेन पर गिराते हैं तो 7 रंगों की एक बैंड या पट्टी दिखाई देती है। इस प्रकार जो बैंड प्राप्त होता है उसे ही हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब ये जो प्रोसेस है जिसमें व्हाइट लाइट के विभिन्न रंगों या वेवलेंथ के अवयवों में डिस्ट्रीब्यूट होने को हम डिस्पर्सन या वर्ण विक्षेपण कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इन वाइट लाइट इज नोन एज डिस्पर्सन। तो ये हमने समझा कि स्पेक्ट्रा क्या है। अब हमें यह समझना होगा कि व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम स्पेक्ट्रा प्राप्त करते हैं, तो स्पेक्ट्रा का प्राप्त करना
उसका एनालिसिस करना, उसकी व्याख्या करना, उसको एक्सप्लेन करना और उसके आधार पर किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज प्राप्त करना ही स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्चुअली है क्या? स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ स्टडी ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मैटर। विद्युत चुंबकीय विकिरण और पदार्थ के बीच में इंटरैक्शन है और इसी को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंतर्गत एक्सरेज आती है, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशंस होती हैं। अब एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं क्या? व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस? ये एक प्रकार की एनर्जी है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज ए टाइप ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू स्पेस एट इनॉर्मस वेलोसिटीज। और अगर हम इसकी नेचर की बात करें तो वो ड्यूल नेचर शो करती है, वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो एनर्जी होगी जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ई इक्वल टू एच न्यू से। न्यू इक्वल टू आप जानते हो सी बाय लैम्ब्डा होता है। तो यहां पर हमने ये इक्वेशन को आपको इसलिए दिखाया है ताकि आपको ये रिलेशन हमेशा याद रहे कि एनर्जी ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी लेकिन वेवलेंथ कम होगी। क्योंकि यहां पर देखिए h प्लैंक्स कांस्टेंट है, c स्पीड ऑफ लाइट है, लैम्ब्डा वेवलेंथ है और न्यू फ्रीक्वेंसी है। तो अगर हम ऑर्डर की बात करें तो अगर वेवलेंथ इंक्रीज होती है तो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी डिक्रीज होगी। इसके विपरीत वेवलेंथ डिक्रीज होती है तो एनर्जी या फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, क्योंकि यहां एक दूसरे के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसी चीज को हमें ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की स्टडी करनी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक्चुअली क्या है? कि द अरेंजमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जैसे गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। तो इनका अरेंजमेंट है, द अरेंजमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसीज इज नॉन एज कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो यहां हमने इसको रिप्रेजेंट किया है इंक्रीजिंग वेवलेंथ या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के क्रम में। यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में
रेडिएशंस की वेवलेंथ के अनुसार एक क्रमबद्ध विन्यास के आधार पर स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंतर्गत केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का ही वेवलेंथ के या फ्रीक्वेंसी या एनर्जी के आधार पर एक क्रमबद्ध अरेंजमेंट है। तो ये हमने यहाँ पर देखा, बस आपको ये याद रखना है कि एक तो आप ऑर्डर याद रखिए कि गामा, एक्स, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियोवेव, ये वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, या यूं कह लीजिए कि एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, या कह लीजिए फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। इसके आधार पर हम ही कह सकते हैं कि रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, जबकि गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा और वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो ये ऑर्डर आपको केवल ध्यान में रखना है। इसी को हम एक और तरीके से समझ सकते हैं, ये बहुत सिंपल मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि एक तो आपको इसका ऑर्डर याद रहे, पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी इसी पर आधारित है। तो यहाँ देखिए ये भी वही क्रम दिखाया हुआ है कि जैसे जैसे आप रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रे की तरफ गए, तो आप ये देख रहे हैं कि इसका जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ कम होती जा रही है। 100 मीटर से 10 सेंटीमीटर, देन 1 मिलीमीटर, देन 0.0 मिलीमीटर, देन 100 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर और 0.01 नैनोमीटर। आप ये याद रखिए कि 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10^-9 मीटर, या सेंटीमीटर में आप कहेंगे तो 10^-7 सेंटीमीटर होता है, और वही 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। ये वेवलेंथ की यूनिट है जिसको आप एंगस्ट्रॉम में भी लिखते हैं, सेंटीमीटर में भी लिखते हैं, और मीटर में भी लिख सकते हैं, और नैनोमीटर में भी लिख सकते हैं। तो बस आप ये ध्यान रखिए कि 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10^-9 मीटर, या 10^-7 मीटर सेंटीमीटर, या 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। 1 मिली माइक्रोन और 1 नैनोमीटर एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो चाहे आप वेवलेंथ को नैनोमीटर में लिखिए, चाहे मिली माइक्रोन एम म्यू करके आप लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। तो यहां भी वही चीज स्पष्ट की गई है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ग्रुप्ड इनटू टाइप्स दैट हैव सिमिलर वेवलेंथ एंड सो हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो हमने इसको ग्रुप में बांटा, रेडियो वेव्स में, माइक्रोवेव्स में, इंफ्रारेड्स, विजिबल लाइट्स, अल्ट्रावायलेट, तो जो सिमिलर प्रॉपर्टीज है उसके आधार पर हमने इसको ग्रुप में बांटा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस फॉर्म ए कंटिन्यू सीरीज इन ऑर्डर ऑफ चेंजिंग वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी या एनर्जी, दिस सीरीज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम कहेंगे, कि जिसमें हमने इसको अरेंजमेंट यहां पर चेंजिंग वेवलेंथ या चेंजिंग फ्रीक्वेंसी या चेंजिंग एनर्जी के ऑर्डर में हमने किया है। एक और आपके सामने डायग्राम प्रेजेंट किया है
इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए रेडियो वेव रीजन है तो यहाँ फ्रिक्वेंसी डिक्रीजिंग बताई हुई है और वेवलेंथ इंक्रीजेस बताया हुआ है, जबकि गामा रे रीजन है वहाँ पर फ्रिक्वेंसी इंक्रीजेज है और वेवलेंथ डिक्रीजेज है। तो इस प्रकार से हम बिल्कुल क्लियर समझ गए कि किस प्रकार से कहाँ पर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी और कहाँ फ्रिक्वेंसी कम होगी और इसी का उल्टा ऑर्डर होगा वेवलेंथ का। बीच में ये देखिए आप विजिबल रीजन आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पर कि इसके पास पास इंफ्रारेड है या अल्ट्रावायलेट है। तो ये विजिबल पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमने प्रदर्शित किया है। और क्लियर देखना समझना चाहें तो आप ये देखिए शॉर्टर वेवलेंथ, हायर फ्रिक्वेंसी और हायर एनर्जी, तीनों चीजें हमने बता दी। जैसे ही आप गामा रेज, एक्स रे से गामा रेज की तरफ जाएंगे तो ये शॉर्टर वेवलेंथ होगी, हायर फ्रिक्वेंसी होगी और हायर एनर्जी होगी। इसके विपरीत आप माइक्रोवेव से रेडियो वेव की तरफ जाएंगे तो लॉन्गर वेवलेंथ होगी, लोअर फ्रिक्वेंसी होगी और लोअर एनर्जी होगी। तो ये ऑर्डर आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। तो ये हमने पूरा देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, केवल आपको थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है। अब हम आ जाते हैं हमारा एक्चुअली स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स, जो कि आगे जितना जो भी हम पढ़ेंगे उसका मेन आधार स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन सी टाइप की है इसको फाइंड आउट करना है। हम ये जानते हैं कि, और मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जब इंटरैक्ट करती हैं किसी भी मैटर से तो हमें स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। तो जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कौन सा पार्ट इंटरैक्शन में इन्वॉल्व हुआ है। यूजुअली इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ऑफ ईएमआर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इंटरैक्ट विद मैटर दैट गिव राइज टू वेरियस टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी पार्ट है या विजिबल है या आईआर है या एनएमआर है या फिर माइक्रोवेव है या रेडियोवेव है, तो कौन सा पार्ट उसका इंटरैक्ट होता है और उसी आधार पर विभिन्न प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हमें प्राप्त होती है। और इसी को हमने यहाँ पर लिखा है कि द वेरियस टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स डिपेंडिंग ऑन विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इन्वॉल्व्ड इन द इंटरेक्शन। अगर हम स्पष्ट शब्दों में कहें तो केवल ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर के बीच में इंटरेक्शन होता है तो वो मैटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कौन से पार्ट से इंटरेक्ट करता है उसी आधार पर उस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक का नाम होगा। अब इस टेबल में आप देखिए कि तीन कॉलम्स दिखाए गए हैं, यूवी विजिबल ऊपर लिखा हुआ है वो उस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक का नाम है, कौन से पार्ट से इंटरैक्ट होता है तो यूवी विजिबल पार्ट से इंटरेक्शन होता है, और किसकी वजह से वो हमें स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है वो है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो थर्ड वाला कॉलम है ये तो हम पूरा आगे वन बाय वन जब हम एक एक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे, लेकिन फर्स्ट और सेकेंड वाले कॉलम को आप बिल्कुल समझ सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कौन से पार्ट के आधार पर हमने इसको यहाँ पर लिखा है। जैसे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कौन से पार्ट से इंटरैक्ट होता है, यूवी विजिबल रीजन से। कारण है वो तो हमें पता है कि एटॉमिक ट्रांजिशंस होता है जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।
इसी प्रकार से FTIR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो यहाँ इंटरेक्शन होगा IR रीजन से और उसका कारण है वाइब्रेशंस। तो जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी प्राप्त होती है वो माइक्रोवेव रीजन की इंटरेक्शन की वजह से और उसका वजन है रोटेशंस। इसी प्रकार से NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो प्राप्त होती है वो होती है रेडियोवेव रीजन की वजह से और उसका जो कारण है वो न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स। और जो एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो एक्सरे रीजन के इंटरेक्शन की वजह से हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कौन से पार्ट में इंटरेक्शन होता है उसके आधार पर हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी प्राप्त, वो स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो नोमेनक्लेचर होता है उसी आधार पर होता है। और ये चीज़ हमने इस चार्ट के अंदर समझने की कोशिश की है। तो ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान पार्ट है, लेकिन इसको हमें समझना पड़ेगा। आगे की क्लासेस में हम इसी के कॉन्टिन्यूएशन में हम पढ़ेंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का मूल आधार क्या है और हमें अलग अलग प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी की पढ़ने की आवश्यकता क्यों है। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।